a major fire broke out in Mulwarwan village of Gishtwar in Jammu Kashmir on Tuesday afternoon. According to police, 68 houses were damaged by the fire. Locals in Mulwarwan village of Gishtwar sought help after the fire destroyed their houses. Gishtwar Deputy Commissioner Rajesh Kumar Shavan said that disaster management teams were sent to the spot after receiving the calls. Earlier, they got to know that 40 houses have been affected by the fire. However, today they found out that 68 houses have been affected. He further stated that they will start the relief and rehabilitation work from now onwards. देखिए कल कोई ढाई बजे के करीब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी थ्रू वायरलेस और एसएसपी साहब को इतला आई यहाँ से. यहाँ के जो अभी न्यूली इलेक्टेड एमएलए हैं उन्होंने भी मुझे फोन किया और पब्लिक की तरफ से भी फोन आया. ये साइमल्टेनियसली मुझे सब लोग कॉल्स आई. उससे फोन आने के बाद हमने अपनी जो मशीनरी डिजास्टर मैनेजमेंट की थी वो भेजी यहाँ पे. जो हमें रिपोर्ट कल रात तक आई थी वो आई थी 40 के करीब घर जो है जद में आए हैं, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि 68 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसकी जद में आए हैं, जिसमें कुछ एक दो जगह पे दो फैमिलीज भी रहती थी. अभी तक यहाँ पे बड़ी बात यह है कि लोगों ने फायर फाइटिंग खुद करके, फायर टेंडर्स कश्मीर से आए थे वो लेट आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया लास्ट में तो काबू किया फायर को. 7 बजे के करीब जो है फायर जो है काबू में आ गई थी और उसके बाद मजीद नुकसान नहीं हुआ. इसके जानी जो नुकसान था वो नहीं हुआ है. बाकी यहाँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो काम है इसके लिए हम आए हैं यहाँ, जायजा लेके जो भी तहत जाब्ता होगा हम करेंगे. देखिए लोगों की डिमांड जो यहाँ पे कर रहे हैं वो नेचुरली साफ सी बात है कि वो जेन्युइन डिमांड है. लोग बिल्कुल एकदम जीरो हो गए हैं और जिसका पूरा मकान जो है वो जल गया है. तो तहत जाब्ता जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल्स होंगे या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी भरपूर इनकी मदद की जाएगी और दोबारा से इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा. जस्ट मैं अभी आया हूँ, नेचुरली अभी मैंने इनको कहा जैसे मैं फाइल खोलूंगा हम कार्रवाई कर अभी से ही हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम. Meanwhile, TDC Marwa Sheikh Zafarullah demanded that LG to visit the site with a special package as he is the head of the state. He also asked Omar Abdullah to officially visit here after taking the oath as CM. Sheikh Zafarullah hu, recently maine MLA election lada hai aur yahi meri constituency hai aur वैसे मैं DDC Marwa bhi hu. Dekhiye halaat bad se badtar hain aur ye kal 1 baje आग लगी और आपने देखा कि पूरा गांव उस आग की चपेट में आया और 100 के करीब घर बिल्कुल राख बन गए. और अब हमारी सीधी डिमांड है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आए खाली हाथ, हमें कुछ नहीं उसे लेना देना. हम चाहते हैं एलजी साहब आए और एलजी साहब अगर आज नहीं आएंगे फिर कब आएंगे. वो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. अगर आज वो नहीं आते हमारे बीच में, अगर आज वो हमारा दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो फिर कब आएंगे. उनके हाथ में सब कुछ है, वो स्पेशल पैकेज लेकर आए. हर घर में एक नौकरी, जिसने 40 साल मेहनत की थी मकान बनाया, 40 साल के बाद उसका घर नहीं रहा. हमारी जवान बेटे इस वक्त बाहर है, पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है कहीं पर. कम्युनिटी लंगर अभी तक नहीं लगाए, परमानेंट छोड़िए टेम्परेरीली जो शेल्टर देना चाहिए ये अगर टेंट दिखाएंगे वो रेड क्रॉस वाले. अब हमें बताएं सरकार क्या करे. रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको फैब्रिकेटेड शेड मिलने चाहिए. आप यहां नहीं जानते कि यहां पर 10 दिन के बाद कितनी बड़ी सर्दी होगी. क्या बाथरूम्स बनाए, क्या सैनिटरी सिस्टम तैयार किया, क्या जानवरों के रखने के लिए. यही लोग बोलते हैं कि मतलब गाय की बड़ी इज्जत करते हैं, दिखाते हैं, उस पर प्रोग्राम्स चलाते हैं. आज हमारी गायें जो हैं बाहर हैं, वो सर्दी से मर जाएंगी. कोई इंतजाम है? शेल्टर सारे काउशेड सारे जलकर राख हो गए. इनके पास कोई इंतजाम है तो बताएं. एलजी साहब नहीं आते हैं, मुआवजा क्या देते हैं? रेड क्रॉस की तरफ से पूरे जितने भी घर जले 5 लाख दे रहे हैं, क्या बनेगा 5 लाख से? रोड मैप हमें बताएं. मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, आखिर ये लोग कल ये अगर इलेक्शन में हमारे साथ उम्मीद जोड़ते हैं, ये अगर इनके ऊपर मुसीबत आती है तब भी हमारे साथ उम्मीद जोड़ते हैं ये, लेकिन वो बात कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है. एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से चलना चाहती है. हम इनको कॉपरेट करने के लिए तैयार है, ये आकर बताएं हमें हमने किस तरह से कॉपरेट करना है. हमने कॉपरेट किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पहल उस वक्त की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. और पुलिस वैसे भी रहती है हमारे बीच में यहाँ.
मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट इंतजामिया की तरफ, एलजी इंतजामिया की तरफ क्या हुआ। और दूसरी अहम बात, जो सोल्यूशन नहीं दे सकेगा तो सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नहीं, वो जरूर, हमने इससे पहले भी देखा, फायर ब्रिगेड सर्विसेज के लिए हमने इस 15 साल से हम लड़ाई लड़ रहे, अभी तक नहीं मिली। हुकूमत कोई भी हो, कोई हुकूमत, ये बात सुनी नहीं किसी ने, क्या जरूरत नहीं इन इलाकों में? अनंतनाग से लेकर आना पड़ा हमें फायर ब्रिगेड। अब मुझे बताइए कि वहां से 5 घंटे लगे पहुंचने में, पूरा गांव जल गया। ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल में किया, हम कह रहे हैं कि वो तो खुद ही फिर बुझ गई, जब पूरा ही गांव जल गया फिर क्या उधर बचा? कंट्रोल कर किया होता तो फिर बच गए होते घर, कोई भी नहीं बचा। दूसरी अहम बात, कल हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ओथ ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो पहला दौरा वार्ड 1 का करें, मैं चाहता हूं स्पेशल पैकेज के साथ वो दौरा करें, मैं चाहता हूं 10 साल हो गए हमें, इन्हीं हम ही जैसे नेताओं ने बोला कि एलजी शासन में हमें नुकसान है, एलजी शासन में हमें नुकसान है, इलेक्शन होने चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है पब्लिक की बात सुनेंगे। वेलकम, इलेक्शन हो गए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आ गए, मैं चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब यहां पर आकर ऐलान करें। और अगर नहीं आएंगे, हम इससे पहले जो हमने हालात देखे, अगर उस वक्त रात सुबह 4 बजे जहाज आया, आज क्यों नहीं आया? कल 2 बजे मैंने डीसी साहब को फोन किया, मैंने कहा हालात ऐसे हैं, आप आइए चॉपर लेकर। डीसी साहब गए, लेकिन एलजी इंतजामिया की तरफ क्या अपना एलजी अपना जहाज नहीं भेज सकता था? इससे बड़ा हादसा कहां हो सकता है? हम मुत्तहिद हैं, हम एक आवाज में कह रहे हैं एलजी आना चाहिए, हम मुत्तहिद हैं, एक आवाज में कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब का पहला दौरा यहां पर स्पेशल पैकेज के साथ होना चाहिए। और अगर ये चीजें हो गई, हम ताली बजाएंगे, हम मालाएं पहनाएंगे उनको, कोई भी हो, हमने कोई सियासी मफाद और सियासी डिफरेंसेस को नहीं देखना यहां पर।